एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम आए हैं सनावर एंड हम लोग थोड़ा सा डे आउट के लिए निकले थे, काफ़ी लेट हो गए थे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, कसौली तक नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा मन तो बहुत कर रहा है कि हम कसौली तक जाएं, बट देर इज़ अ ह्यूज जैम ऑन कसौली रोड। सो वो हम आपको दिखा भी देंगे अभी। सो इसीलिए वी हैव जस्ट क्विकली लाइक जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा रोम अराउंड करके नेचर इन्जॉय करके नाउ वी विल हेड बैक टू आवर प्लेस। एंड ओपनिंग हमने यहाँ से करी है बिकॉज हम आपको अभी तक के जो हमने व्यूज़ इन्जॉय किए हैं वो अब दिखाएंगे। रास्ते में हमने एक स्टॉप लिया था जापी, सो वहाँ से वी वर जस्ट वेरी हंग्री, सो वी टुक अ क्विक बाइट फ्रॉम देयर एंड देन वी ड्रोव ऑल द वे टू सनावर। सो या अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी देर और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे इस व्यू को और आपको अभी तक का सारा व्यू और यहाँ का व्यू दिखाएंगे। सो इन्जॉय गाइस। शिमला 49 किलोमीटर। सो गाइस, हम हिमाचल एंटर हो चुके हैं। ईयर्स क्लॉग हो चुके हैं। ईयर्स क्लॉग हो चुके हैं। मेरा तो नोज भी क्लॉग हो गया। और आज से ना कुछ टाइम पहले, मतलब काफी साल पहले, यहाँ पे जब हाईवे बना नहीं था ना तो हमें वाया कालका एंड वाया पिंजौर होके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जब आप पिंजौर और कालका से निकलते थे ना तो इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था ना, कम से कम वहाँ पे एक एक घंटे का जाम होता था। कालका से तो बंदा निकल ही नहीं जा पाता था क्योंकि वो एक बाजार है, छोटा सा बाजार से निकल के जब गाड़ियाँ जाती थी तो बहुत मुश्किल से आगे जा पाते थे। बोल सकता है अभी करंट वेदर देख के कि सुबह इतनी ज्यादा बारिश होके हटी है? सुबह बहुत ज्यादा बारिश थी, मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस है। एंड आई वाज होपिंग कि यहाँ पे वैसा ही वेदर मिले, बट इट्स टोटली डिफरेंट। बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड आल्सो। अभी तो अच्छा है, मतलब चलो धूप है, तेज धूप है, बट इतनी गर्मी नहीं है। वाटरफॉल के छोटी सी वाटरफॉल है, उसको काफी अच्छे से वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है एंड बहुत लश ग्रीन एरिया है वो। तो ये हिमाचल का टोल है, अभी यहाँ से टोल गाड़ी को गाइस जूम मोड में डाला है एंड जस्ट वांट टू सी द कार्स परफॉर्मेंस, कि जूम मोड में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ी स्टीप है, बट हाँ मुझे कहीं भी प्रेशर नहीं फील हो रहा कि गाड़ी लाइट लग रही है। हाँ लाइट लग रही है, प्रेशर नहीं ले रही बिल्कुल भी। हाँ जैसे आप ये देखो ये है, बिल्कुल बहुत ईजीली चल रही है, इंजन बड़ा शार्प टर्न है। अब ये देखो यहाँ से जूम मोड है लगा हुआ है गाड़ी में, तो इसमें बिल्कुल प्रेशर ले ही नहीं रही है। ज़ैप कर रहे हो? हाँ। ये मैगी स्टॉल है क्या? हाँ। मुझे मैगी को देख के एकदम मैगी तेरे को उधर से मैगी खिला दूँ तेरे को, वहाँ से वो जहाँ से भी अच्छी है। नहीं यहाँ पे तो मैं सैलड खाऊंगी ना, इसलिए मैगी मैं कसौली जाके खा लूंगी। हाँ वहाँ तक मैगी नहीं, वहाँ पे तो मैंने मोमोज खाने हैं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ so fun fact guys, I am a momo lover, whoever knows me knows how much I love momos, okay? so any kind of momos aap mere ko offer karoge main mana nahi karungi, because momos are love and I love momos. control alexa play english songs. alexa are you sleeping? गाइस हम जाबली पहुंच चुके हैं एंड बस के जस्ट आगे से ही लेफ्ट टर्न है इसका, तो यहाँ से बहुत ध्यान से लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है इसके लिए। ये रहा लेफ्ट टर्न, अगर मिस हो गया तो फिर मिस हो गया तो फिर आपको बहुत आगे से टोल प्लाजा से क्रॉस होकर वापस आना पड़ता है।
यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। आई हैव अ क्लिपिंग उस साइड की विच आई विल शेयर। बिकॉज अभी यहाँ से रास्ता बंद है सो वी कांट गो, अदरवाइज द प्लेस इज वेरी नाइस एज यू कैन सी। तो अब हम वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर की, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा एंड वो खाएंगे एंड देन आगे चलेंगे कसौली की तरफ। सो एंजॉय द व्यूज। अब ये टोल प्लाजा आ गया, तो ये जाबली के बाद आपको हिमाचल का सेकंड टोल मिलेगा। जो फर्स्ट टोल था वो बेसिकली इट्स अ स्टेट टोल एंड ये वाला नेशनल टोल है, तो इस पे फास्टैग चल जाएगा। तो यहाँ पे कितने की पर्ची कटेगी सो इतना नहीं पता, एंड इसमें यहाँ पे 70 रुपीज़ की है गाइस। सो गाइस हम धर्मपुर पहुँच गए हैं, तो आपको ये कट दिख रहा होगा कसौली वाला फर्स्ट कट, अभी लेफ्ट पे कसौली का कट है, ये यहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले। तो हम ये वाला कट नहीं लेंगे, हम लेंगे सनावर वाला कट। एक ये वाला कट है, एक सनावर वाला कट है, ये दोनों जाके आगे मिल जाते हैं एक जगह पे, पर अभी हम आपको सनावर वाली साइड दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको वापस आते हुए इस जगह से आएंगे पाइन ग्रुप वाली जगह से। तो अभी सनावर वाला कट आएगा क्योंकि धर्मपुर क्रॉस करके सनावर वाला कट है सारा, और वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं बेसिकली। तो ये ज्ञानी का ढाबा है, बहुत फेमस ढाबा है, बहुत अच्छा है। एंड गाइस ये आ गया हमारा सनावर वाला कट, यहाँ से आप यू वैगनर जा रही है कसौली के लिए, एंड हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। थोड़ी टाइट सड़क आनी शुरू हो जाएगी, सनावर वाला साइड है ये, एंड यहाँ से कसौली ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स रह जाता है। लास्ट टाइम भी हम यहाँ से आए थे, नहीं यहाँ से कसौली 8 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर दिखा रहे हैं। विंडोज को रोल तक कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो कसौली को बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगता हमारे घर से। नहीं कसौली दूर है ही नहीं है, शिमला थोड़ा सा दूर है, पर शिमला को सड़क बहुत अच्छी है, कसौली को ये एक्चुअली सड़क अभी इन्होंने बनाई नहीं है, पर चढ़ाई बहुत अच्छी है शिमला की, बहुत एक अच्छे लेवल पे है। शिमला की मॉल रोड बहुत मॉल रोड है, कसौली में छोटी मॉल रोड है बेसिकली, ये तो वही है, अभी तो हमें वहाँ पे मिले थे। तो मुझे लगता है ये लोग घूम के आ रहे हैं नीचे, हमने स्टॉप ले लिया ना। नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं कसौली घूम के आ सकते, इन्होंने बस वहाँ से ले लिया होगा। अच्छा ये जा रहे हैं अभी? नहीं ये वहाँ से बिल्कुल सेंटर से वापस आ गए होंगे ना। बहुत लंबा जाम है रास्ते में, कुछ हुआ है। सो गाइस हमने गाड़ी यू टर्न लिया है
क्योंकि कम से कम 1.5-2 घंटे का जाम है यहाँ पे। जल्दी जल्दी गियर चेंज नहीं कर रही है, जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो वो गियर एक मेंटेन करके रख रही है कि हाँ भाई आरपीएम इसका हाई ही चल रहा है। फिर हम वापस हाइट पे, दिस इज नवर स्कूल राइट साइड के। सो गाइस हम वापस ले रहे हैं, हम कसौली अनफॉर्चुनेटली नहीं टच कर पाए। प्लान तो यही था कि कसौली जाएंगे, वहाँ पे व्यूज़ वगैरह देखेंगे, पर हम जिस साइड से जा रहे थे सनावर वाली साइड से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था एंड जीपीएस पे भी हमने चेक किया एंड इट वाज अबाउट 1 आवर जाम। सो बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 6 in the evening वहाँ जाते तो रात को ही पहुँचते एंड फिर रात को अगर पहुँचते तो रात को तो व्यूज़ आने ही नहीं थे। ये कर लो पहले। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, कल रात को इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बारिश के बाद भी इतनी गर्मी मिलेगी। तो कभी गर्मी तो होगी, हिल्स में मिलेगी, वो नहीं सोचा था ना इतनी गर्मी होगी। हमने सोचा आज मौसम अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं, XUV700 की ड्राइव ले लेंगे, फर्स्ट हिल्स ड्राइव हो जाएगी। वो जो की हो भी गई, जो हमारा मोटिव था, हमारा पर्पस था, वो सॉल्व हो गया है, बट ठीक है, इट्स ओके। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ इट गोज एज प्लान्ड बाय यू देन इट्स गुड, बट इफ इट डजंट गो एज प्लान्ड बाय यू देन इट इज द बेस्ट। एक्चुअली मेरा आज हिल्स पे लाने का, पहाड़ों पे लाने का गाड़ी को एक मोटिव था, वो मोटिव ये था कि एक्चुअली मैंने इसका ओनरशिप रिव्यू करना है आप सबके लिए, कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमने XUV700 बाय करनी तो हिल्स वगैरह में कैसे परफॉर्म करेगी एंड थोड़े ऑफ रोड पैचेस में कैसे परफॉर्म करेगी, तो बेसिकली मेरा कसौली जाने का भी मोटिव यही था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि जो सनावर वाली रोड है वो थोड़ी सी रफ है, राइट। तो रफ रोड्स पे देखो, हम हाईवेज पे तो गाड़ी सब चलाते हैं, बट मेन गाड़ी की टेस्टिंग होती है रफ रोड के ऊपर। तो आप बहुत जल्दी इसका ओनरशिप रिव्यू आएगा, देन उसमें डिटेल में शेयर करूंगा कि इसके रफ पैचेस पे इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ट्राई करेंगे कि एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल कवर कर लें, सो दैट व्हेनेवर यू प्लान टू बाय XUV700 अ लॉट ऑफ योर थॉट्स आर क्लियर, और आपको और कोई चीज जो है जिसमें आपको लग रहा हो कि कुछ डाउट्स हो, आप आपकी क्लियर कर पाएंगे। ये सामने व्यू दिख रहा है आपको, थोड़ी सी ट्रैक दिख रही है, ये वाली ट्रैक, ये टॉय ट्रेन की ट्रैक है। ओ यार कितनी क्यूट लगती है ना। हाँ वो बहुत रेयर दिखती है, वो मतलब यू नो शिमला में दिखी थी। शिमला में दिखी थी हाँ, ये कालका टू शिमला जाती है। हाँ पंचकुला, हम लोग अब यहाँ से आई थिंक 2-3 घंटे में घर पहुँच जाएंगे, कीपिंग इन माइंड द ट्रैफिक, वीकेंड है, कहीं भी जाएंगे ट्रैफिक तो मिलेगा ही। तो अभी हम जस्ट अपना वापस जा रहे हैं घर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग अस, लविंग अस, एंड डू
send your blessings and please like, share and subscribe to our channel and we will see you very soon with the next vlog. So thank you. Bye. Thank you. Take care.